नमस्ते सर। नमस्ते। देखो अपन पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी की कलाओं में अपन ने पढ़ा, पहले पढ़ा कि कौन सी सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, कौन सी सभ्यता कहाँ पे है, इसका उत्खनन या इसकी खोज किसने की और कौन से सन में की, ये सारी डिटेल अपन ने पढ़ी थी। सारी सभ्यताओं की पढ़ी थी, लगभग सारी सभ्यताओं की अपन ने ये बात पढ़ी थी, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी सभ्यता, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, चहुदड़ो, जो भी जितने भी सभ्यता है इनके बारे में अपन ने पढ़ा था, आहड़, उदयपुर वगैरह सारी। तो ये जो सभ्यता अपन ने पढ़ी थी, इन सभ्यताओं में अपन ने देखा कि कौन सी सभ्यता कहाँ विकसित हो रही है, कौन सी सभ्यता की खोज किसने की, कौन सी सभ्यता कब विकसित हुई, ये सारा अपन ने डिटेल पढ़ा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा, ये भी पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई। जैसे अपन ने कल पढ़ा था कि दो पुरुष आकृतियां प्राप्त हुई है, एक पुरुष धड़ है, धड़, एक दाढ़ी वाली योगी की बैड प्रतिमा है। वाले हाँ, जी की प्रतिमा। योगी, दाढ़ी वाली योगी की प्रतिमा। तो ये दो पढ़ा था अपन ने। इसमें पढ़ा पुरुष धड़ में, पढ़ा कि ये पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है जो चूने पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने दाढ़ी वाली योगी की प्रतिमा के बारे में पढ़ा। दाढ़ी वाली योगी की प्रतिमा के बारे में पूरा पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था क्या? यस सर। हाँ, तो दाढ़ी वाली योगी की जो प्रतिमा है, इस योगी की प्रतिमा में अपन ने पूरी डिटेल पढ़ी थी इसकी, कि कौन सी प्रतिमा में कौन सी, जैसे ये प्रतिमा थी इसमें दाढ़ी बनाई गई है, इसमें सिर पे पट्टा बनाया गया है, इसके सोल बनाया गया है, जिसमें त्रिफूल या आकार बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल अपन ने दाढ़ी वाली योगी की प्रतिमा के बारे में पढ़ी थी। और आपने अच्छे से इस ये समझ में आ गया था क्या? अच्छे समझ में आ गया सबके, यस सर। सबके आ गया होगा यस समझ। सर। शाबाश। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था अपन ने, कि कांसे की ढलाई कैसे की जाती थी पहले, ठीक है। तो अपन पढ़े थे कांसे की ढलाई, कांसे की ढलाई। अब ये कांसे की ढलाई कैसे की जाती थी, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, और आपको पता भी होगा कैसे की जाती है, क्योंकि अपन ने कल देखा था कि कल अपन ने पढ़ा इसके बारे में कि एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, और प्रतिमा बनाकर उस पर चिकनी मिट्टी से एक आवरण किया जाता था, पूरी पूरी मूर्ति पे, पूरी मोम की मूर्ति पे चिकनी मिट्टी से आवरण किया जाता था, और जैसे ही उस पे आवरण करके उसको सुखा लिया जाता था, और जैसे वो सूख जाती थी उसमें एक छेद करके और उसको गर्म किया जाता था। जैसे उसको गर्म किया तो धीरे धीरे मोम पिघल के बाहर निकल जाता है, और उसकी जगह कांसे को पिघला कर और उसके अंदर डाल दिया जाता था, ठीक है, तरल पदार्थ उसमें डाल दिया और उसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता। जैसे वो ठंडा हो गया, उसकी जो मिट्टी का आवरण था, चिकनी मिट्टी का आवरण, उसको उतार दिया जाता था, और वो एक मिट्टी तैयार, वो मिट्टी उतार के जब वो मूर्ति एक देखे देखते हैं अपन, तो वो मूर्ति एक तैयार हो जाती है। ऐसे ही कांसे की ढलाई की जाती थी, ऐसे कांसे की ढलाई करके और श्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। ये कांसे की ढलाई अपन ने पढ़ी थी। यहां तक किसी कोई समस्या थी क्या? नहीं थी। देखो इसकी पूरे भारतवर्ष में आज भी ऐसे ही इसी तरीके से कांसे की ढलाई की जाती है, इसी तरीके से कांसे की ढलाई की जाती है आज भी पूरे भारतवर्ष में, लगभग औसतन इसी तरीके से कांसे और तांबे की ढलाई की जाती है। तो अपन ये बात याद रखें, कांसे की ढलाई किस प्रकार की जाती है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कांसे की ढलाई। ये भी दाढ़ी वाली योगी के बारे में भी ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि कांसे की ढलाई किस प्रकार की जाती है, और कांसे की ढलाई को पिघला कर, जैसे कांसे को पिघला कर डाला जाता था, ये याद रखना कि कांसे को पिघला कर उसके अंदर डाला जाता था, जिससे कि वो ठोस पदार्थ हो जाता था, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इससे अगला टॉपिक जो अपना आता है, वो आता है मृण मूर्तियां, और मृण मूर्तियां भी जो है वो सिंधु घाटी जो कला है, ठीक है, उस सिंधु घाटी कला में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इनका निर्माण अच्छे से किया गया है, और जो सिंधु घाटी की प्रतिमाएं हैं इनमें मृण मूर्तियां अत्यधिक मात्रा में निर्मित की गई है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। मृण मूर्तियां क्या होती है, मृण का मतलब हो गया मृत,
मूर्तियां मतलब मूर्ति, तो ये मृत मूर्ति क्या हो गई? देखो मृत से मतलब निकला क्या, मिट्टी। मृत से मतलब किसका निकला, मिट्टी की मूर्तियां। देखो इनको मिट्टी की मूर्तियां है, टेराकोटा, बहुत बार नाम आएगा आपके पास में टेराकोटा, इसको टेराकोटा भी कहा जाता है। क्या, टेराकोटा। मृत का मतलब हो गया मृदा, ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी की जो मूर्तियां होती थी उन्हीं को मृण मूर्तियां कहा जाता था, मतलब पकी हुई मिट्टी होती थी उसको पकाकर कुछ खिलौने कुछ आकार ऐसे बनाए जाते थे जिनके माध्यम से उनको मृण मूर्तियां कहा जाता था। देखो सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, और लेकिन वे पत्थर, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पत्थर और कांसे की मूर्तियों का निर्माण भी बढ़िया करते थे। मतलब जो पत्थर की मूर्ति अपन ने पढ़ी है और जो कांसे के बारे में अपन ने पढ़ा है, इनका निर्माण भी इतना अच्छा नहीं हुआ है जितना अच्छा हुआ है मृण मूर्तियों का। मतलब इनको भी इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाया जितना अच्छा बनाया है किसको, मिट्टी की मूर्तियों को। मिट्टी की मूर्तियों को सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो बहुत, जो सिंधु घाटी का कलाकार है उसने बहुत अच्छे से इसको चित्रित किया गया है। और जो मृण मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां हैं, इनमें अधिकांश मृण मूर्तियां मात्र मात्र मतलब माता का रूप, माता या देवी, देवी के रूप में बनाया है, किसी माता का रूप किसी देवी का रूप, ऐसे मृण मूर्तियां इसमें निर्मित की गई है, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। देखो जो अपन ने पढ़ा था कालीबंगा, ठीक है, हड़प्पा, और पढ़ा था अपन ने आहड़ उदयपुर में जो है, इनमें सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां पाई गई है, कालीबंगा में, हड़प्पा में, आहड़ में, ठीक है, और जैसे मोहनजोदड़ो भी है, मोहनजोदड़ो में भी आया था, मोहनजोदड़ो, इनमें भी मरण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी और बहुत सफाई से काम किया गया था मिट्टी की मूर्तियों में, ठीक है। इसमें मिट्टी की मूर्तियों में क्या था, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाई तो मूर्ति जैसे पुरुष आकृति होती थी, तो पुरुष आकृतियों में ये लोग क्या करते, दाढ़ी व मूंछ का निर्माण भी करते थे, ठीक है। तो जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी उसमें दाढ़ी व मूंछें भी बनाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एकदम सीधे खड़े व्यक्ति को चित्रित किया जाता था, एकदम सीधे खड़े व्यक्ति को, और चित्रित का मतलब मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी सीधी खड़ी बिल्कुल, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या देखेंगे कि मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियों में मिट्टी की मूर्तियां, इसमें पत्थर और कांसे की जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनसे भी श्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण इसमें किया जाता था। मृण मूर्तियों को टेराकोटा की मूर्ति भी कहा जाता है, याद रहेंगे, टेराकोटा जो प्रतिमाएं होती हैं वो मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियों को ही माना जाता है। मृण मूर्तियों में सबसे ज्यादा माता या देवी की जो प्रतिमा होती थी उसको बनाया जाता था, माता या देवी की प्रतिमा को, और इन प्रतिमाओं के माध्यम से ही लोगों के सामने वो प्रस्तुत करते थे। जितनी भी मृण मूर्तियां बनाई जाती थी इनमें दाढ़ी व मूछे भी बनाई जाती थी, लगभग जो पुरुष करते होते थे उनमें। मृण मूर्तियों में खिलौने भी अत्यधिक बनाए जाते थे, खिलौने मृण मूर्तियों में क्या बनाए जाते थे, खिलौने भी, खिलौने और जो देवी देवता होते थे, जैसे सींग वाले, एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके, जिसको सींग वाले देवता कहा जाता है, उसके साधारण पुरुष आकृति है और उसके दो सींग लगाए गए हैं ऊपर, ठीक है। तो ये मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ऐसे ही क्या हुआ कि मिट्टी के रूप में, मतलब मिट्टी, पक्की हुई मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की मूर्तियां आदि इसमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहियेदार गाड़ियां, पहियेदार गाड़ियां, इसके अलावा पशु आकृतियां, पहियेदार गाड़ियां बनाई जाती थी, पहियेदार गाड़ियां, मिट्टी की पहियेदार, जैसे खिलौने आते हैं आजकल वैसे मिट्टी के पहियेदार गाड़ियां, पशु पक्षी की आकृतियां, खेलने के लिए जो पासे होते हैं, जो पासे फेंके जाते हैं तो खेलने के लिए जो पासे होते हैं वो भी मिट्टी के पासे प्राप्त हुए हैं यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से। और चक्रियां, डिस्क, बिल्कुल चक्री होती है, चक्री जैसे अपन चक्री फेंकते हैं, डिस्क जो होती है उसकी तरह की चक्रियां भी मिट्टी की यहां से प्राप्त हुई है, पकी हुई मिट्टी की। तो ये है मृण मूर्तियां टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता से। इसमें वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, मृण मूर्तियों में सिर्फ इतना ही टॉपिक था, मृण मूर्तियां, इसको
मिट्टी की मूर्तियां भी कहा जाता है, इसे टेराकोटा भी कहा जाता है। ये जो पत्थर की मूर्तियां बनी हुई, पत्थर कांसे की मूर्तियां बनी हुई, इनसे भी श्रेष्ठ मूर्तियां हैं। इसमें माता या देवी की प्रतिमाएं ज्यादा बनाई जाती थी। इसके अलावा जो कालीबंगा है, हड़प्पा है, आहाड़ है, इसमें मिट्टी की मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां अत्यधिक मात्रा में मिली है। इसके अलावा यहाँ पर पहियेदार गाड़ी, खिलौने, ठीक है, पहियेदार गाड़ी, खिलौने, इसके अलावा पशु पक्षियों की आकृतियां, इसके अलावा पासे, जो अपन पासे कहते हैं, वो डिस्क, जो चक्री बोलते हैं डिस्क, ऐसी भी कुछ आकृतियां यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है। कोई समस्या है यहाँ तक? बोलो। टॉपिक है अपना मोहरे या मुद्राएं। अगला टॉपिक है मुद्राएं या मोहरे। देखो, सब जानते हो कि मोहर क्या होती है। पहले आप लोगों को पता है कि पहले के जमाने में मुद्राएं, मोहर, जैसे चांदी की मोहर, सोने की मोहर दी जाती थी। पहले पैसे के जगह मोहरे चलती थी, पहले ये सबको पता होगा, मुद्रा चलती थी, मुद्रा मतलब पैसे ही हो गया, और मोहरे, जो मोहरे होती थी वो चलती थी, सोने चांदी तांबे वगैरह की मोहरे चलती थी। यहाँ क्या था, यहाँ पर मिट्टी की मोहरे भी प्राप्त हुई है, यहाँ पर कांसे की मोहरे भी प्राप्त हुई है। तो पुरातात्विक विद्वान होते हैं वो क्या होते हैं, पुरातात्विक मतलब जो पुरानी बातें होती हैं उनको खोजने वाले जो विद्वान होते हैं वो पुरातात्विक विद्वान होते हैं। तो पुरातात्विक विद्वानों को हजारों की संख्या में यहाँ से मोहरे प्राप्त हुई है। जो पुरातात्विक विद्वान है उनको सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग हजारों की संख्या में, 1000 की संख्या में यहाँ से मोहरे प्राप्त हुई है। और ये ज्यादातर कौन से पत्थर, सेल खड़ी पत्थर से निर्मित की जाती थी। ज्यादातर सेल खड़ी पत्थर की ये मोहरे होती थी। जो देख, जैसे ये मोहरे क्या काम में लेते थे, ज्यादातर सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मोहरे इसलिए काम में लेते थे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम में जो व्यापार उद्देश्य होता था, व्यापार का उद्देश्य होता था, जैसे यहां से गए और यहां से अपने को कालीबंगा से आहाड़ चले गए, तो आहाड़ में वो व्यापारिक मोहरे दिखाएंगे तो पता चलेगा लोगों को कि ये कालीबंगा से है, या कालीबंगा में जैसे आहाड़ का कोई लोग गया तो वो मोहरे लेके गया। तो ऐसे व्यापारिक उद्देश्य से भी इन मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर मोहरे सेलकड़ी पत्थर से निर्मित किए जाते थे, सेलकड़ी पत्थर से, ठीक है। तो सेलकड़ी पत्थर के ये मोहरे ज्यादा होती थी। देखो, कभी कभी गोमदे, एक चिकना और चमकीला पत्थर जो आप सब लोग जानते हो, चमकीला सा पत्थर होता है जिसमें पन्नी सी रहती है, चमकीला पत्थर होता है वो, तांबा, कांस्य, मिट्टी आदि से भी इस मुद्राओं को निर्मित किया जाता था। कांस्य, पत्थर, तांबा, मिट्टी आदि की, मिट्टी कौन सी, पकी हुई मिट्टी, जैसे अपना मटका होता है ऐसे मिट्टी को पकाया जाता था और पकी हुई मिट्टी का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। और इसी के बाद में धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस होता था, धीरे धीरे इन मुद्राओं का प्रचलन होता था, ठीक है। उन पर देखिए, मुद्रा बना दी, लेकिन मुद्राओं क्यों, अपन मुद्रा क्यों पढ़ रहे हैं, मुद्रा इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनके ऊपर एक चित्रित आकृतियां होती थी, जैसे कोई गोल या ऐसे चौकोर या गोल, ठीक है, या ऐसे, ये मुद्राओं के प्रकार होते थे, ऐसे कोई मुद्राएं होती थी सारी। तो इन मुद्राओं पर क्या होता था कि आकृतियां बनाई जाती थी, और इन मुद्राओं पर जो आकृतियां होती थी उनमें एक आकृति सींग वाली आकृति है, जिसके ऊपर सींग, एक सींग, या फिर उसके ऊपर दो सींग, जैसे किसी पर एक सींग। तो यहाँ पर जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, यहाँ पर जो मोहरे प्राप्त हुई है, इनमें एक सींग वाले सांड की आकृति बनाई गई, कहीं पे गेंडे की आकृति बनाई गई है, कहीं पे बाघ, कहीं पे शेर, कहीं पे हाथी, कहीं पे जंगली भैंसा, कहीं पे बकरा, ठीक है, कहीं पे मतलब ज्यादातर पशुओं की आकृतियां इन मोहरों पर बनाई जाती थी, पशुओं की आकृतियां इन मोहरों पर बनाई जाती थी। पशु के हिसाब से ही उसमें ऐसे पता चलता था कि कौन सी सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे किसी पे हाथी की आकृति होती थी तो उसका मतलब वो बलवान है, वो रियासत या वो जो सभ्यता है वो बलवान सभ्यता है, मतलब ताकतवर सभ्यता है। उसके हिसाब से इनको सभ्यताओं को बांटा जाता था पशुओं के आधार पर, समझ गए। तो ऐसे यहां से प्राप्त सभ्यता हुई है। ऐसे प्रतीत होता है इस सभ्यता से ऐसे प्रतीत होता है कि मुद्राएं लगभग बाजू पर भी बांधी जाती थी, बाजूबंद के रूप में कई मुद्राएं से होती थी। तो जैसे कहीं जाना हो तो कौन सी सभ्यता से है पता लगाने के लिए वो क्या करते थे, यहाँ बाजूबंद। अब ये कैसे पता चला अपने को बाजूबंद के लिए हुए, हाथ में बांधी जाती थी,
क्योंकि वो कड़े के रूप में एक मोहर और मोहर या मुद्राएं और उसके ऊपर चारों तरफ दोनों तरफ ऐसे जैसे कड़े के ऊपर तो ऐसे डाल लिया जाता था। ठीक है, तो वो भी मिट्टी की भी होती थी और पत्थर की, तांबे की, कांस्य की, सबकी होती थी। देखो लोहे की चीज, लोहे की सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की बहुत कम, मतलब है ही नहीं लगभग। ठीक है, तो इन आकृतियों प्रदर्शित स्वभाव मनोभाव, इनको देखने पर, इन आकृतियों को देखने पर ऐसा लगता है, कौन सी आकृतियों को, इन मोहरों पर, इन पे, कि ये वास्तव में एक व्यापार के उद्देश्य से बनाते थे और इन मोहरों पर जो आकृतियां बनाई जाती थी उस आकृति के हिसाब से ही उस राज्य की पहचान की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा लगभग 2.2, ये भी ध्यान रखेंगे आप, 2x2 मतलब 2 इंच चारों तरफ ऐसे 2x2 इसकी मानक संख्या होती थी, इंच 2x2 इंच, जैसे 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे। ठीक है, ऐसे होते थे 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे, 2 इंच ऐसे, या फिर ऐसे गोल होते थे तो बिल्कुल 2 इंच की जगह होती थी बीच में, समझ गए। ऐसे इनकी मुद्राओं का निर्माण भी किया जाता था, मुद्राओं में डिजाइन बनाई जाती थी। ठीक है, मुद्राओं में डिजाइन बनाई जाती थी। यहाँ पर बिना कुबड़ वाला सांड, जो कुबड़ कौन सा होता है, जिसके सांड के ऊपर जो वैसे होता है वो कुबड़ रूप, कुबड़ टाइप, तो वो बगैर कुबड़ का सांड बनाया जाता था। एक मोहर पर एक ऐसे आकृति बनाई गई है जो पुरुष आकृति है और उसके ऊपर सींग बनाया गया, बड़ा सा पुरुष आकृति पर सींग बनाया गया, तो उसको देखकर ऐसे लगता है कि ये जो आकृति है ये, और इसके चारों तरफ क्या किया गया, छोटे 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 आकृति बनाई गई, ये पशुओं की, बीच में पुरुष है, उसके सिर पे सींग है और चारों तरफ क्या बनाया है, चारों तरफ छोटे 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 पशुओं की आकृति बनाई गई है। अब इस पशुओं की आकृति बनाने से यह सिद्ध होता है कि या तो ये लगभग पशुपति है, इसको क्या कहा जाएगा, पशुपति, पशुपति मतलब ये इन पशुओं का देवता है या राजा है जो बीच में चित्रित किया गया था। इस प्रकार मुद्राएं व मोहरों का भी निर्माण अपने सिंधु घाटी सभ्यता में उल्लेखनीय है। यहां भी कोई देखो, इन मुद्राओं के अंदर एक बात एक रह गई, कौन सी, एक पट्टी नुमा भी वो क्या बनाई जाती थी, मोहर बनाई जाती थी, पट्टी नुमा, ठीक है, ऐसे चौड़ी मोहर, और इसके ऊपर क्या होता था, इसके ऊपर ऐसे कुछ लिपि में लिखा हुआ था, लेकिन वो अपने समझ से परे, क्योंकि समझ में तो आ ही नहीं रहा है ना, तो वो है लिखा हुआ लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आया, वो भाषा अभी तक समझ में नहीं है किसी के, तो ऐसे भी कुछ कालीबंगा से, हड़प्पा से, आहाड़ से ऐसे भी कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। और इनमें देखो कई मोहरें ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे और ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे और ऐसे, बीच में कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ पशुओं की आकृतियां बनी हुई, छोटी 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 आकृतियां, और ऐसे ये मोहर बनाई जाती थी। ये ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी, सेलखड़ी पत्थर, जो ठोस पत्थर होता था, मजबूत पत्थर होता था, उसी से बनाई जाती थी। इसके अलावा ये जो मिट्टी की होती थी, मृदा मिट्टी की होती थी, जो उस मिट्टी के मोहरों में क्या होता था कि कई जो अपने को प्राप्त हुई उनमें से कई हिस्से टूट चुके हैं उनके, तो टूटने के बाद में अपने को पहचान नहीं हो पा रही कि वहां क्या था। लेकिन ज्यादातर जो पशुपति है ये बिल्कुल सख्त और पक्की हुई मिट्टी से बने हुए थे, इसमें पशुपति की आकृति है, इसके अंदर देखो अभिलेख, नोकदार, मतलब ऐसे ऐसे मोहरे बनाई गई हैं जिनके ऊपर लेख, चित्र, चारों एक बीच में चित्र, एक चारों तरफ चित्र, इतनी सी छोटी सी मोहर में उन्होंने इतना इतना काम कर दिया, पुरुष की पूरी आकृति बना देते थे वो इतनी सी छोटी सी मोहर के अंदर, तो उस समय का कलाकार भी श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोहरे अपना कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा बता देंगे। शाबाश, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते अपन मृद भांड। मृद भांड कोई बता सकता है, मृद भांड क्या होता है, मृद भांड क्या होता है? मृद भांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन भी यहां से अपने को प्राप्त हुए हैं, कहां से, सिंधु घाटी सभ्यता से। देखो
यहाँ पर लगभग जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसमें मतलब जो भांड बनाए गए हैं, भांड का मतलब बर्तन बनाए गए हैं, उनकी आकृतियां जो इतनी सुंदर नहीं है, इतनी आकृतियां जो वहां से प्राप्त हुई अपने को तत्कालीन डिजाइनों से। देखो उस समय का जो चित्रकार होता था, हालांकि आज की तरह वो डिजाइन स्वरूप नहीं होता था, उस समय का चित्रकार अब की तरह पूरी डिजाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने आधुनिक काल से बढ़िया और आधुनिक काल के लगभग उस समय भी हर क्रिया में भाग लिया है। कैसे कि जैसे उन्होंने मकान भी बनाए हैं, तो पक्की मिट्टी, पक्की ईंटों के, पकी हुई ईंटों के मकान बने हैं। वहां पर गांव में नालियां भी होती थी सफाई के लिए, रोड भी होती थी सीमेंट सीमेंट की, और वहां पर क्या जैसे सीमेंट का आंगन बन गया, तो सीमेंट का आंगन बनने के बाद में यहाँ 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 ऐसे कमरे बनाए जाते थे चारों तरफ, और यहाँ गेट रख दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे गेट और यहाँ कमरे होते थे, पूरा बीच में चौक होता था, खुला हुआ चौक, ठीक है। मतलब उस समय भी ये इनमें डिजाइनिंग में पारंगत थे, उस समय भी आधुनिक काल की तरह नहीं था, हालांकि जैसे अपने फ्लैट्स वगैरह होते हैं बहुत डिजाइनदार होते हैं, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस समय भी तात्कालीन व्यवस्था को देखते हुए इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मूर्तियां, इतने सुंदर चित्र, इतने सुंदर मोहरे, इतने सुंदर बर्तन बना चुका है। तो अपने कहने का मतलब जो इस समय अपने को बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, ये इतने सुंदर नहीं थे जितने अपन मानते हैं इतने सुंदर होंगे, लेकिन उस समय के बर्तनों से पता चलता है कि कलाकार उस समय बहुत पारंगत था। बहुरंगी मृद भांड बनाता था वो, मतलब बहुत से रंगों को मिलाकर अलग अलग डिजाइन देकर उस बर्तन को बनाया था। कैसे, देखो एक बार, जैसे अपन ने देखा एक वहां पे एक बर्तन प्राप्त हुआ है ऐसा, ऐसा एक बर्तन प्राप्त हुआ है, इसे या तो केतली कह लो, केतली जो होती है, या इसे रामझारा कह लो, लेकिन ऐसा एक बर्तन प्राप्त हुआ है जिसके अंदर सतरंगी बहुरंगी कलाकारी की गई है, कैसे ऐसे करके, और इनके अंदर चित्रकला, इनके अंदर रंग भरा गया है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, ऐसे, और फिर जैसे इसमें पूरे में एक कलर भर दिया, फिर इसमें डिजाइनिंग बना दी, कुछ फूल पत्ती वगैरह की डिजाइनिंग, या कोई पशु की आकृति बना दी, कोई पशु की आकृति इसमें बना दी, और फिर उसको कलरिंग किया जाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार उसमें डिजाइनिंग करके भी उस समय चित्रकला का विकास किया जाता था, उस समय डिजाइनिंग के माध्यम से भी बर्तनों का, मृद भांडों का प्रयोग किया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय अगर ऐसा मृद भांड बनाया जा सकता था, ये मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हैं अपन, मिट्टी का ही सब कुछ, ठीक है। और ऐसे जैसे उसी समय जैसे वो कुछ छोटे छोटे जैसे गिलास प्राप्त हुए अपने को, तो उन गिलासों में क्या किया उन्होंने, ऐसे गिलास के अंदर उन्होंने डिजाइनिंग करके, डबल लाइनिंग करके मिट्टी में, मोटी लाइनिंग, ऊपर वाली मोटी लाइन, फिर उसके अंदर कुछ डिजाइनिंग करके कलर अलग अलग, बहुरंगी कलर, बहुरंगी मिट्टी का प्रयोग, जैसे चिकनी मिट्टी में यहाँ पे अलग कलर कर दिया उन्होंने, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, बहुरंगी कलर के माध्यम से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, ठीक है। जैसे एक मिट्टी का कटोरा प्राप्त हुआ है जिसके अंदर और बाहर कलर अलग किया गया है, कटोरा प्राप्त हुआ है एक मिट्टी का, ऐसा कुछ। तो ये जो कटोरा प्राप्त हुआ इसके अंदर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अलग कलर किया है, यहाँ पे अंदर पूरे अंदर अलग कलर है और बाहर अलग कलर है इसमें। तो ऐसे ये क्या करते थे, बहुरंगी प्रयोग करते थे, बहुरंगी चित्रों का, बहुरंगी जो रंगों का प्रयोग करते थे। कईयों पे क्या करते थे ये, कईयों पे मिट्टी से ही डिजाइनिंग, जैसे मिट्टी से एक बड़ा गिलास प्राप्त हुआ, यहाँ से बड़ा गिलास, इसमें इन्होंने क्या किया है, बड़े गिलास में यहाँ पर मिट्टी के ही ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल बना दिए, मिट्टी के ही गोल गोल पूरे में गोल गोल बनाए हुए, और उन गोल के ऊपर चित्रांकन, सॉरी कलर किया गया है, गोल के ऊपर जैसे गोल बने हुए हैं इनके ऊपर कलर किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत से ऐसे मृद भांडों का निर्माण किया है, ऐसे मृद भांडों का मतलब बर्तनों का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से आज भी देखने पर लगता है कि उस समय का कलाकार वास्तव में वाकई श्रेष्ठ होगा।
ठीक है। और देखो ये बर्तन, कुछ बर्तन तो आधे एक इंच के ही होते थे, आधे एक इंच की छोटे सी, इतने सी, इससे भी छोटा, इतना सही, आधे एक इंच के ही बर्तन बना दिए जाते थे कुछ तो, और कुछ बड़े बड़े बर्तन भी बनाए जाते थे। तो इसमें ऐसे बर्तन, क्या हुआ बोलो, क्या बात है? तो बहुरंगी आकृतियां बनाई जाती थी। देखो ये सारे बर्तन जो होते थे मिट्टी के बर्तन, ये सारे हाथ से बनाए जाते थे, सारे हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन है। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम है और सादे बर्तन ज्यादा है। इनमें जो रंग किया हुआ था ना वो बर्तन कम है और सादे बर्तन इसमें ज्यादा है। आमतौर पर ये बर्तन जो सारे होते थे ये चिकनी मिट्टी से ही बनाए जाते थे, पकी हुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी से ही बनाए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ सुंदर लाल या सलेटी रंग का प्रयोग किया जाता था, इसमें लाल या सलेटी रंग का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कुछ जो पात्र है वो घुंडीदार पात्र है, घुंडीदार मतलब ऐसे मुड़े हुए से पात्र, कैसे, जैसे ऐसे करके, ऐसे पात्र है, इसमें कुछ ऐसे पात्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो नीचे से ये थोड़ा सा गोल टाइप है ऐसे, तो कुछ घुंडीदार पात्र भी इसमें बनाए गए हैं। ये किस क्या काम में लिए जाते थे, लेकिन उस समय की ये कलाकारी है। इसके अलावा जो गुंडी की पंक्तियों में सजे हैं, काले रंग के बर्तन पर लाल रंग का लेप किया जाता था, काले रंग के जो बर्तन होता था या काले रंग के जो पात्र होता था उस पे लाल रंग का इसमें लेप कर दिया जाता था। खास तौर पर इतने रंग उतरता नहीं है क्या? क्या वो रंग उतरता नहीं था क्या? नहीं, पक्का हुआ है ना। देखो इसमें कारण क्या है, जैसे अपन ने कलर किया, और कलर जैसे अपन क्या करते हैं, पोस्टर कलर करते हैं, अपने पास पोस्टर कलर होंगे। अपन जैसे 11th में काम शुरू करेंगे, जल्दी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, शायद स्कूल खुल रहे हैं, तो जैसे अपन ड्राइंग का प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, अपन कलर करते हैं। और जब कलर करेंगे तो वो कलर, जैसे अपन पोस्टर कलर लेते हैं, एक कलर पोस्टर होता है, और उस कलर में जैसे अपन ने तत्व पढ़ा था प्राकृतिक रंग, सीधे जो प्रकृति से प्राप्त होता है, लाल और कौन सा है, पीला, लाल, पीला, ये क्या, ये है क्या प्राकृतिक रंग, लाल पीला नीला। तो ये रंग सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये इनके मिश्रण से कोई दूसरा रंग नहीं बना जा सकता, और जो प्रकृति प्रदत्त रंग है इनको कभी मिटाया भी नहीं जा सकता। अगर आपने एक बार कर दिया कलर, तो जैसे एक्रेलिक, जैसे ये टी शर्ट पे कलर है, येलो कलर है, ये एक्रेलिक रंग हुआ हुआ है, इस पे एक्रेलिक होता है, एक्रेलिक रंग, ठीक है। इस एक्रेलिक रंग के ऐसा रंग आता है एक्रेलिक, एक्रेलिक रंग एक ऐसा रंग होता है जिसको कपड़े पे किया जाता है, जो कभी नहीं उतरता, लगभग हल्का हो सकता है, उतरेगा नहीं, तो वो अगर हल्का होगा तो इसको मतलब एक्रेलिक कलर तो है, लेकिन वो बिल्कुल लोकल क्वालिटी का होगा। ऐसे उस समय की जो कला होती थी वो क्या करते थे, इन मिट्टी के बर्तनों पर जैसे कलाकारी थी, और इनको पकाया जाता था, पक्की मिट्टी का ही होता था ये, तो जैसे कच्ची मिट्टी का बना लिया और उसको भट्टी वगैरह में गर्म पकाया जाता था, ठीक है। तो पकाने से इसमें क्या होता था, ठोसपन आ जाता था, और वो जो कलर होता था वो बिल्कुल ठोस, जैसे मटका होता है उसमें लाल कलर कर दिया जाता था। अब वो लाल कलर का भी उतरता नहीं है, क्यों नहीं उतरता, जब उसके अंदर तो पानी भरा रहता है, क्यों नहीं उतरता, क्योंकि वो पक जाता है, और पकने के बाद में क्या होती है, वो लाल कलर की मिट्टी होती है, वो बिल्कुल शेड में लाल रंग हो जाता है, वो कभी उतरता नहीं है। समझ गए, कोई समस्या है क्या? यस सर। अच्छा, सबको समझ आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तनों में कुम्हार के चाक पर बर्तन बनाए जाते थे, कुम्हार की चाक पर बर्तन बनाए जाते थे। ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही बना दिया डायरेक्ट, कुम्हार की चाक भी अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है, और उस पर ये बर्तनों का निर्माण किया जाता था, उस चाक पे निर्माण किया जाता था, और फिर उसके बाद में जब ये थोड़ा सूख जाते थे उसके बाद में कलर करके इसको पकाया जाता था, जिससे कि पकी हुई मिट्टी के बर्तन ये अपन कहते हैं इनको, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या है क्या?